दोस्तों, अगर आपको SBI की तरफ से एक नया ATM कार्ड मिला हुआ है बाय पोस्ट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ATM मशीन को यूज करके अपने SBI ATM कार्ड के लिए 4 डिजिट का ATM पिन बना सकते हो, नया ATM पिन जेनरेट कर सकते हो। तो अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो SBI आपको एक ATM कार्ड इशू करता है, या फिर अगर आपका पुराना ATM कार्ड एक्सपायर हो जाता है, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, तो भी आपको SBI एक नया ATM कार्ड इशू करता है। तो आपको अपने नए आए हुए ATM कार्ड के लिए ATM पिन जनरेट करने के लिए बनाने के लिए आपको अपने नियरेस्ट किसी SBI ATM के पास चले जाना है, SBI के ही ATM के पास जाना है, किसी और बैंक के ATM के पास नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला तो आपके पास नया ATM कार्ड होगा ही, दूसरा आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको बैंक अकाउंट नंबर याद नहीं है तो आप नोट डाउन करके रख लोगे और तभी ATM मशीन के पास जाओगे। इसके अलावा आपके पास SBI बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको SBI ATM मशीन में अपना नया ATM कार्ड इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे प्रोसेस सबके लिए सेम होने वाला है, चाहे आपके पास मास्टर कार्ड का ATM कार्ड है, वीसा का है, या फिर रुपए का है, इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक हो, प्रोसेस सेम होने वाला है। SBI का ATM कार्ड ATM मशीन में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको ATM कार्ड ATM मशीन से नहीं निकालना है। अब आपको वेट करना है, आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जा रहा है। अब जिस भी लैंग्वेज में आप ATM मशीन को यूज करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, आप चाहो तो हिंदी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पिन जनरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, बैंकिंग के नीचे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अभी आप पूरा प्रोसेस देखते रहिए, क्योंकि अभी जो आप पिन जनरेट कर रहे हैं वो टेम्पररी होता है, वन टाइम पिन होता है। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दोगे। इसलिए मैंने शुरू में बोला था आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर याद होना चाहिए, या फिर आपको लिख करके जाना है ATM मशीन के पास। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद प्रेस इफ करेक्ट इस पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर भी इंटर कर देना है यहाँ पे, और प्रेस इफ करेक्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। और जो मोबाइल नंबर इंटर करोगे उसमें +91 इंटर करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करना है। अब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और आपके सामने कुछ इस टाइप का रिसिप्ट निकल के आता है, और इस रिसिप्ट में लिखा हुआ है कि आपका वन टाइम ATM पिन सक्सेसफुली जनरेट कर दिया गया है। वन टाइम ATM पिन, केवल आप इसको एक बार यूज कर सकते हो, और वो ATM पिन आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है SMS में। तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है, उसमें आप SMS ऐप ओपन करके चेक करोगे तो उसमें आपको वन टाइम ATM पिन दिखाई देगा। तो अभी आपको अपना ATM कार्ड निकाल लेना है ATM मशीन से। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वन टाइम ATM पिन मिल चुका है SMS में, और ये जो पिन लिखा हुआ होता है ये डिजिट्स में नहीं अल्फाबेट्स में लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए पिन में अगर 1 है तो ONE1 लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिन मेंशन किया हुआ है 4 डिजिट का, लेकिन ये वन टाइम पिन है। अब इस पिन को यूज करके आपको नया पिन सेट करना होगा जो कि परमानेंट होगा। ये वाला जो SMS में आया है ये टेम्पररी है। और यहाँ पे पिन कितने देर में रिसीव होता है इसका कोई फिक्स टाइम कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ मिनट में आपको पिन रिसीव हो जाता है, और पिन रिसीव होने के 24 घंटे के अंदर ही आपको पिन चेंज कर लेना है। तो अब आपको अपने ATM कार्ड को फिर से ATM मशीन में इंसर्ट करना है। जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो आपको ATM कार्ड नहीं निकालना है। अब यहाँ पे फिर से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप मशीन यूज करना चाहते हो, मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पिन जनरेशन के ऊपर बैंकिंग दिखाई देगा, पहला ऑप्शन, उस पर सेलेक्ट कर लेना है। बैंकिंग सेलेक्ट करते ही राइट साइड में आपको नीचे में पिन चेंज दिखाई देगा, तो वन टाइम ATM पिन को यूज करके यहाँ पे आपको पिन चेंज करना है और एक नया पिन बनाना है, तो पिन चेंज पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको 10 से 99 के बीच में कोई भी एक नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है, एग्जाम्पल के लिए 25, तो मैं कोई भी एक रैंडम नंबर इन दोनों के बीच में इंटर कर देता हूँ और यस पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी ATM पिन है करंट वाला, यानी कि जो SMS में रिसीव हुआ है, वो आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप वन टाइम ATM पिन, करंट ATM पिन इंटर करते हो, आपको नया ATM पिन सेट करने के लिए मिल जाता है। अब जो आप ATM पिन सेट करोगे वो परमानेंट होगा जब तक कि आप इसको चेंज नहीं करते हो खुद से। तो 4 डिजिट का आप ATM पिन जो याद रख सको वो आप इंटर कर दोगे, और अगले स्टेप में आपको फिर से वो सेम ATM पिन जो कि आपने पिछले स्टेप में इंटर किया था सेट करने के लिए, आपको वापस से री इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है। और इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, और आपके पास SMS भी आ जाएगा कि आपका ATM पिन सक्सेसफुली चेंज कर दिया गया है, और आपको लास्ट में अपना ATM कार्ड निकाल लेना है। ये है पूरा प्रोसेस ATM पिन जनरेट करने का।